हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैडम, आप ये बताइएगा कि जब आप सुल्तानी साहब के साथ वीडियो प्ले करती थी, आपको वाकई फील होता था कि सुल्तानी मेरा बेटा है? एक दूसरे को ना वो मुझे औरत समझता था ना मैं उसको मर्द समझती। जब आपकी हो जाती है ना फिर सारे रिश्ते और खत्म हो जाते हैं। वो वैसे भी वो मरहूम राही वो नेचर का डिफरेंट बंदा था। जी जी बिल्कुल। वो बाहर के साथ फ्रैंक भी नहीं होता था। और हाजी साहब के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें सुनाते हैं, मेल फीमेल ये बातें करते रहते हैं। जिन्होंने काम किया हाजी साहब के साथ उन वक्त में, तो जैसे कि हमारे सीनियर हैं, दोस्त भी हैं, शफकत चीमा साहब, वो भी हमें बातें सुनाते रहते हैं कि आगा साहब इतने अच्छे थे और हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो पेश आया करते थे। बस उसमें आधी बातें सही होंगी क्योंकि उनको आदत है हड़ बाजी बहुत अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए कि मैं बहुत किबला देख लेना किस साइड से है। जी जी हाँ, जब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है तो लोग कहते हैं हमारी बात मान। नहीं बेटा और अगे ला जा, सानू पूरी धुप मिलेगी। कबूतरा के कोल कबूतर साडे पहले रजिस्टर्ड होए ने। कोई नहीं रही तो एवें आ दरवाजा है सामने है ना। नाती बेटा इधर कर, इधर ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है राजू आ जा यार, एक बंदा चला राजू दूसरे पास करिए। मैं मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं उसकी माँ का प्ले करती थी या वो इस तरह मेरे साथ था, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रहे हैं इकट्ठे दिन रात पता ही नहीं चलता। वो मेरे घर पे बहुत अरसे तक ये गाँव में से औरतें आती रहती थी, बार आती आए नहीं देंगी बीबी तरह बड़ा ये कहते कहते हैं जो पिंड वाली में जान निकल जाती थी कि मेरा बेटा तो जिंदगी अल्लाह करम करे लेकिन वो उसको कहे कि तेरा बड़ा बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रीन पे आज साहब के साथ आपको देखा है सबने, माँ का प्ले कर रही है। हाँ, तो जब काम भी होता था ना आजकल की फिल्मों से काफ़ी डिफरेंट था, ऐसे ही फील होता था कि बिल्कुल ओरिजिनल माँ। ऐसे भी होता है कि ओरिजिनल माँ भी इतनी फीलिंग से नहीं बेटे को बुलाती, या लेकिन वो मजबूर हो जाता था आदमी सोचने के लिए कि ओरिजिनल माँ और इतना माँ बेटे में प्यार। हम लोग दिन रात इकट्ठे ही होते थे, दो तीन घंटे वो सो लेता होगा, इसी तरह मेरा भी यही हाल था। तो इसलिए ये बाहर के काम के हिसाब से होती है कि अब कुरैशी साहब भी हमारे वन ऑफ द पार्टनर्स थे जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। एक हमने शिफ्ट बना ली थी, बेटा बैठ जाओ कुछ जी, हम आपके सामने खड़े हैं, आप हमारी माँ जैसी, वो सही है, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप लोग मुझे इतना ऑनर देते हैं। वो आगा को ना उर्दू फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक जी, उसने कोशिश भी एक दो दफ़ा की, नहीं लोगों लोग उससे एक्सपेक्ट कुछ और करते थे कि वो धोती कुर्ता जैसे गन उनके हाथों में है तो वो जी ये हमें चाहिए, इसमें आप ज़्यादा शूट करते हैं। तो हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, आगा ने प्लेन में लैंड किए तो प्लेन हुई ना कि वो सबसे अगली सीट पे बैठा जी, कोई फेल्ट पहनी नहीं उसने, बड़ा शौक था फेल्ट और पैंट जी जी। मैं जाके पीछे अपनी तरफ से मैं डराने गई उसको सबसे आगे, मैं देखा ना तो नॉवल उल्टा पकड़ा हुआ, इंग्लिश की बुक थी कोई उसको उल्टा पकड़ा हुआ, मैंने पकड़ के ना कैसे भी ट्रेन से क्या बाज नहीं आ सकती तो गलत का अंग्रेजी गलत पड़ेगा तो फिर मैं कैसे नहीं करना। हाँ सच, वो बाजू में जो उसके बैठे हुए थे वो अच्छा जॉली बंदा भी था, उसका इंटरेस्ट और जिंदगी में कुछ भी नहीं सिवाय काम काम और काम।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕੋ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਕੀ ਇਹ ਗੁਦੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮੇ। ਤੋ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਯੇ ਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਤਫਾਕਨ ਵਹੀ ਦੋਸਤ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਥਾ, ਤੋ ਜਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਤੋ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਆਹੋ ਅੱਧੇ ਸ਼ੋਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਫਰੇਮ ਖਾਲੀ ਕਰੋ।